हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। हमारे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम ननसार गए थे नाना जी को देखने के लिए, तो वहीं से फिर हम नदवई भी गए थे। नदवई में हमारी भाभी रहती हैं, भैया भाभी दोनों ही रहते हैं, क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई की वजह से नदवई आ गए हैं। वहीं पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो हम भी भाभी को लेके जाएंगे साथ में घर पर प्रोग्राम के लिए। तो भाभी बोल रही है कि साथ चलेंगे, तो सार से ही फिर सीधे हम भाभी को लेने के लिए नदवई चले गए थे। तो इतनी दूर लेने के लिए गए थे लेकिन फिर भी भाभी आई नहीं साथ में। एक प्रॉब्लम हो गई थी छोटी सी, जो ताऊ जी के उनके लड़के हैं, तो उनके लड़के के बेटे की तबीयत ख़राब थी। फिर वो उनको जयपुर लेके गए हैं दिखाने के लिए, तो उनके बच्चे हैं तो वो भाभी के पास बच्चों को छोड़ गए हैं। तो बच्चों की वजह से फिर भाभी नहीं आ पाई थी, तो वो दूसरे दिन आई थी। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है और आपको अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि कल तो आपको प्रोग्राम का आएगा जो कीर्तन करवाया, उनको श्रृंगार दिया था और कीर्तन का भी प्रोग्राम था। तो मौसी वगैरह सभी लोग आए हुए थे, बहुत ही स्पेशल लोग हैं वो, आने वाले हैं। तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएंगे कि कौन आने वाला है हमारे घर। वो सपना से मिलने के लिए आ रहे हैं काफ़ी दूर से। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा आगे भी, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो गाय, आगे ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। नाना जी नमस्ते। और नाना बढ़िया है? नाना, इतनी खुली जगह ही तो हमने सबरी बंद करा दी, तो ऐसे पूरा ही बंद सो है वो है। पहले ये सब खुले हो मौसी, ये पीछे भैंस भैंस ने को है। यहां पे देख लग माइक के लग गए थे, यहां पे सही है, यहां पे अच्छा लग ना रहा है। ना वो बंद मान, मैं कह रही हूं तो ना कैसे घुटे से करवा दो, कैसे करवा दो, पर अब ये किचन बन गई, यहां तो हवा भी लग रही है बड़ी है। कुल यहां तो खुश हो रहे हैं, लोगों को ठंडा भी लग रही है। तो नानी और शादी कब कर रही है मामा की? उधर से समझ में नहीं आ रहा। नानी ने अभी घर बनवाया, पहले ये पूरा बना हुआ था। चलो नानी दिखाएंगी, कोको दिखा दो, कोको जाओ, कोको दिखाएंगी, कोको कोको दिखाएंगी। शायद पुरानी दीवार तो एक ही बची है, वो सामने वाली थोड़ी सी पूरा फोड़वा दिए। बढ़िया घर बनना था पहले, अभी दोबारा बनवाई। सो गाइस, हमारे जो नाना जी के बड़े भाई हैं उन्होंने अभी नया घर बनवाया है। हमारे नाना जी हैं जो चार भाई हैं, तो नाना जी से छोटे हैं, उन्होंने बनवाया है क्योंकि मामू की शादी करनी है। अभी मामू की अभी एयरफोर्स में जॉब है, जॉब लगी है अभी, तो सारे पैसों का कर रखा है, खुजली हो जाएगी। तू भी खेल ले। प्यारी करने प्यारी लग रही है उसकी। नानी अब गई है, रखी है। अच्छा छोड़ दो नानी, छोड़ दो, परेशान हो रही है, छोड़ दो छोड़ दो, लगाई लेगी, गले में लगा लेगी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं। नदवई भाभी ने बोला था कि हम आपके साथ चलेंगे प्रोग्राम के लिए, तो हम भाभी को लेने के लिए आए हुए हैं। तो जो हमारे भैया खड़े हुए हैं, मौसी के बड़े बेटे हैं जो मम्मी के घर हैं, जो चार बहन हैं, तो मम्मी की सबसे बड़ी बड़ी बहन के बेटे हैं बड़े वाले, दो भाई हैं ये। अरे भैया, भाभी के घर आए गए। आंटी नमस्ते। राम राम। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अरे भैया। तो गाइस, भाभी के बच्चे भी बच्चों से मिलके बहुत खुश हुए, क्योंकि काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद मिलना होता है सबका,
और भाभी हमारे लिए बना रही हैं, सबके लिए पराठे बनाएंगी। भाभी ने कॉल करके बोला था कि आप आओ, आपके लिए पराठे बनाती हैं, क्योंकि भाभी हैं बहुत ही अच्छे और चटनी ऐसे ज़्यादा भर भर के बहुत ही अच्छे बनाती हैं पराठे कड़क कड़क। तो गाइस बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बड़ी बेटी है भैया की जो बैठी हुई है, जो खड़ा है कबड़ के पास, वो बेटा है भैया का, क्योंकि इनको शर्म ज़्यादा आती है, एजिटेशन होती है जैसे कि आ जाते हैं तो एक साथ इतने कम बोलते हैं। तो हमारी भाभी यहाँ में किचन में काम कर रही हैं, पराठों की तैयारी कर रही हैं। गिलास लेके आई है, आपको गिलास लाई है, बुला बेटी वो मैं पानी पी लेती ना, सारा पानी छोड़ रही थी भाई। स्कूल है, मजाक कर रहा खाना अभी बन गया आलू के पराठे। मैंने बोली थी भाभी आलू के पराठे बना लेना, क्योंकि भाभी सच में बहुत अच्छा आलू के पराठे बनाती। तो भाभी ने बना के रख रखा है सब कुछ, पहले मटेरियल तैयार करके रख रखा था और कहीं आलू के पराठे। पता है आपने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया, कैसे गांव से बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए जाना नहीं थी, बहुत बढ़िया। हाँ काम वाम तो देखो सब होते रहते हैं, अब काम तो बारह मास के बच्चा बच्चों का फ्यूचर बन जाए ना, वो सबसे बढ़िया है। हाँ काम तो देखो चार भैंस रख लो या पांच रख लो, वो तो होता ही रहेगा, बस बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं बस। वैसे घर भी अच्छा है, भैया का डिसीजन बहुत अच्छा था, मतलब भैया बहुत अच्छा सोचा। आज मेहनत कर रहा है बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ा लिखा तो नहीं, हमको ये लेना चाहिए। हमारी मम्मी ने भी लिया था जब छोटे छोटे से थे। हाँ देखा है, जब सब लोग हम भी वहीं थे। सो गाइस मौसी की बेटी भी आ गई हैं सपना से मिलने के लिए, क्योंकि जो दीदी हैं उनका ससुराल है वो नदबई में ही है, यहीं पे रहती हैं, थोड़ी सी पास में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर सपना से मिलने के लिए वो भी आ गई, तो प्रोग्राम में दीदी भी आएंगी आने को दो, क्योंकि नदबई है थोड़ी सी पास में है, लेकिन अभी हमको लेट हो रहा है, ज़्यादा जल्दी है जाने की, क्योंकि घर पे वहाँ प्रोग्राम है तो वो भी देखना है, तो घर तो नहीं जा रहे जी। तो मम्मी और सपना ले रही हैं यहाँ पे सामान प्रोग्राम के लिए, कल पूजा वगैरह और कीर्तन है, तो जो 21 पूजा है तो खाना भी है उनका, जो 21 स्वागत है तो उनके लिए खाना बनेगा।